ऐसा कुछ है नहीं इंडिया में कहीं। क्या पता अंदर हो रहा होगा। ये जो मेरे पीछे गेट है ना, नंदी बाबा एंड सीयूजी, ये सब केजीएफ के टाइम का है। हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। अभी आप देख रहे होंगे मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हूँ, क्योंकि आज श्रावण का लास्ट डे है एंड रक्षाबंधन भी है। तो हम आज कोटिलिंगेश्वर टेम्पल जाने वाले हैं, जो कि एशिया का या वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट शिवलिंगम जहाँ पे है। मेरा राखी तो घर से आ गया था 2-3 दिन पहले ही, तो वो तो मैं आके ही करूँगा, क्योंकि टाइमिंग्स भी उसका ना 12 o'clock के बाद ही है राखी बांधने का। तो वो आऊँगा तब तक तो 12 o'clock हो भी जाएगा, तो आके बांधूंगा। अभी के लिए मैं निकलता हूँ डायरेक्टली कोटिलिंगेश्वर। वो लोकेशन कुछ 100 किलोमीटर है। सो गाइस, अभी हम मैप लगा लिए हैं एंड इट्स 89 किलोमीटर, 2 hour 11 minute, सो आई एम लीविंग नाउ। पचास किलोमीटर और बचे हैं। सो या ये कैसे रास्ते पे आ गया यार फिर से मैं। गाइस सीरियसली यार, बैंगलोर में गूगल मैप फॉलो करते करते ना कहाँ ला देता है, यू डोंट इवन नो दैट। भाई साहब, ऐसा गड्ढा वाला रास्ता है ना, मैं क्या ही बताऊँ। दैट्स व्हाई इट्स लुकिंग सो गुड। अभी 7 o'clock हो चुका है और ट्रेन गया बाजू से, क्या ही मस्त लग रहा था। अभी 23 किलोमीटर और है तो निकलते हैं, हाफ एन आवर में पहुंच जाएंगे। तो गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं केजीएफ, जो आपने मूवी देखा था ना वही जगह। तो ये जो मेरे पीछे गेट है ना, यही है केजीएफ के किंगडम का रास्ता। तो अभी अंदर जाएंगे, यहाँ से ही होके जाता है वो कोटिलिंगेश्वर टेम्पल। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये शिव टेम्पल का अर्चनक भैया, ये बड़ा शिवलिंग है तुमको जल। और जल चढ़ाने के लिए जल, गंगा जल, गंगा जल है। तो मैंने ये जलाने के लिए, ये अर्चना के लिए और एक माला ले लिया है। अभी मैं शू स्टैंड पे जाके शू निकालूंगा एंड देन विल गो इन। ये पीछे ना आज तक का सबसे बड़ा रुद्राक्ष है जो मैं देख रहा हूँ। जल चढ़ाया और जो भी माला एंड ऑल, तो अभी पूजा कंप्लीट किया एंड थोड़ा देर इधर ही बैठूंगा एंड देन विल गो। इंडिया में ना या वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शिवलिंग एक टेंपल में यहीं पे है। ये कोलार डिस्ट्रिक्ट में आता है, केजीएफ डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पूरा लास्ट तक एंड दिस वे, हर जगह मतलब बहुत सारा है यार। अब जिधर भी देखोगे ना, इट्स लाइक फुल ऑफ शिवलिंग्स। तो मस्ट विजिटेड प्लेस होना चाहिए आपके लिए। और ऊपर से यहाँ श्रावण है, श्रावण का लास्ट डे है एंड मंडे भी है, तो काफ़ी अच्छे दिन पे भी मैं आया हूँ यहाँ पे। अभी निकल रहे हैं हम बाहर, तो ये एग्जिट बाइक लेंगे एंड विल गो होम। तो मैं अब जा रहा था, मैं सोचा एग्जिट का गेट है वो, बट That exit was another opening for this. बहुत तगड़ा धूप है यार, इतना धूप था ना भाई, आँख ही नहीं खुल रहा है। तो मैंने जानबूझ के चश्मा लगाया। इट्स नॉट लाइक कि टेम्पल में आके स्टाइल वाला चीज़ नहीं है, क्या ही बताऊँ, बेस्ट एक्सपीरियंस है यार। देखो जिधर भी आप देखोगे ना, बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है एंड सबसे बड़ा वाला वहाँ पर है। अभी लेके जाता हूँ, वो नंदी बाबा दिख रहा है ना, बहुत बड़ा है वो। एंड ये यहाँ पे जहाँ तक आप नज़रें घुमा लो, हर जगह शिवलिंग। आप में से हज़ारों या फिर ऑलमोस्ट सभी लोग, कोई भी ऐसा कुछ देखा नहीं होगा अपने लाइफ में, तो देख लो जहाँ तक आपकी नज़रें जा सकती हैं, ले जाओ। यू विल नॉट सी एनी थिंग अदर देन शिवलिंग हियर। एंड ये है सबसे बड़ा वाला, नंदी बाबा एंड शिव जी। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके
श्रावण का लास्ट डे भी है, आज मंडे भी है एंड रक्षाबंधन भी है, और ऐसे जगह पे आके काफ़ी स्पिरिचुअल जगह है तो काफ़ी अच्छा लगा एंड पीसफुल भी है, काफ़ी यू नो पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ का। अगर आपने मेरा वो पिरामिड वाला व्लॉग देखा है ना, तो पिरामिड जितना बड़ा ही है ये। मेसमराइज्ड हो गया हूँ मैं सच में गाइस। यार ये सच में इतना ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है ना कि अभी मेरे को निकलना है और मैं एग्जिट ढूंढ रहा हूँ। अभी निकलते हैं, घर जाके राखी भी बांधना है, घर से आया था जो आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा। फाइनली अभी मेरे को मेरा जूता ढूंढना है यार, आई डोंट नो कहाँ खोला था। अभी मैं पार्किंग में आ गया, सोच रहा हूँ ना यहाँ से कोलर गोल्ड फील्ड जाऊँ KGF, देखते हैं वो भी कैसा है, क्योंकि अभी 10 भी नहीं बजा ना, तो अभी यहाँ से डायरेक्टली चलता हूँ KGF और दिखाता हूँ आपको कैसा था वो। एंड मैंने भी नहीं देखा है ना, तो इट विल बी अ नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल, सो लेट्स गो देयर। भाई KGF में घुसने से पहले यहाँ पे सिक्योरिटी है यार। सो गाइस यही है KGF, अंदर तो अलाउ नहीं किया, वहाँ पे 3-4 सिक्योरिटी थे। सो जितना ज़्यादा मूवी में हाइप था ना, ऐसा है वैसा है, सिर्फ इतना ही है और ऐसा ही है, और अंदर घुसने नहीं दिया, तो बस यही है, इतना ही था। KGF के नाम पे तो क्या ही है भाई। तो ये वाला जो फैक्ट्री है ना, शायद इधर ही वहाँ से गोल्ड निकालने के बाद से, माइनिंग के बाद से प्रोसेस के लिए यहाँ आता होगा, आई डोंट नो। तो यही है वो फैक्ट्री जो आपने मूवी में देखा हुआ काफ़ी बढ़ा चढ़ा के, बट रियलिटी में ऐसा ही दिखता है। काफ़ी चीज़ें जो हमें मूवी में दिखाई गई थी सच में थी यार, जैसे कि ये जगह, अंदर लोग भी हैं, सिक्योरिटी भी है, अच्छा ही है, वेरी नाइस। मतलब मैं काफ़ी अच्छा लगा था मुझे KGF देख के, आके वहाँ उस लोकेशन पे और भी अच्छा लग रहा है। यही कंट्रोल करता है पूरे KGF को, BML लिमिटेड, जितना भी माइनिंग का काम होता है सब यही देखते हैं। तो अभी मैं निकल रहा हूँ घर, और मैं डायरेक्टली आपको मिलूँगा जब मैं घर पहुँच जाऊँगा। बाकी KGF कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे खड़ा किया है, अभी ब्रेकफास्ट लंच करेंगे, सॉरी ब्रेकफास्ट बोल रहा हूँ, यहाँ लंच कर ले रहा हूँ फिर घर निकलूँगा। अब सो दिस इज द लंच फॉर द डे। अभी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 30 किलोमीटर और है, अभी यहाँ से डायरेक्टली घर ही रुकेंगे और जाके सबसे पहले राखी बांधना है। मेरी बहन ने मेरे को 4-5 बार कॉल कर चुकी। 1 hour later सो ये राखी आया घर से, इसमें से ये तीनों मेरे लिए, मेरे बहन ने दिया, और एक दिया देव के लिए और एक राकेश के लिए। बाकी वहाँ पे जो भी शिवलिंग वाला था ना, काफ़ी मस्त था यार, मतलब वैसा मैंने लाइफ में कभी देखा नहीं था, और शायद बहुत लोग मेरे जैसे हैं जो नहीं देखे होंगे, बट इट इज़ लाइक बेस्ट एक्सपीरियंस अगर आपको वैसा कुछ देखने को मिलता है। एंड पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा शिवलिंग एक जगह पे, केवल वहीं पे है, कोलार में वो जगह है KGF के पास, तो हम KGF भी गए थे, विच वॉज सो नाइस, जो हम मूवी में देखे थे वैसा सिमिलर चीज़ें दिखा मेरे को, तो अच्छा लगा। एंड अभी मैं राखी बांध लेता हूँ। तो आई होप आपको आज का व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि आने वाले सारे व्लॉग्स का नोटिफिकेशन आपको मिले। इसी के साथ आज के व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन एंड बाय।